नमस्कार, मॉरल स्टोरीज में आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो कहानी स्विट्जरलैंड में पढ़ने वाली एक छात्रा का अनुभव है। तो इस कहानी का शीर्षक है समय बैंक। छात्रा कह रही है, स्विट्जरलैंड में पढ़ाई के दौरान मैंने अपने स्कूल के पास एक मकान किराए पर लिया था। मकान मालकिन क्रिस्टीना एक 67 वर्षीय एकलौती बूढ़ी महिला थी जो सेवानिवृत्त होने से पहले एक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में काम कर चुकी थी। स्विट्जरलैंड की पेंशन बहुत अच्छी है। उसे बरसों के बाद भी भोजन और आश्रय के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, जो उसके लिए काफी पर्याप्त था। एक दिन मुझे पता चला उसने एक 87 वर्षीय एकल बूढ़े व्यक्ति की देखभाल करने का काम पाया है। मैंने उस महिला से पूछा कि क्या वह पैसे के लिए काम कर रही है। उसके जवाब ने मुझे चौंका दिया। मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि मैं अपना समय बैंक में रख रही हूँ, और जब मैं अपने बुढ़ापे में चल नहीं सकूंगी तो मैं इसे वापस ले सकती हूँ। पहली बार जब मैंने समय बैंक की इस अवधारणा के बारे में सुना तो मैं उस उत्सुक महिला की ओर उत्सुकता से देखने लगी और मकान मालकिन से पूछा। समय बैंक की अवधारणा स्विस फेडरल सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम है। लोगों ने बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए समय बचा लिया और जब वे बूढ़े हो गए या बीमार या आवश्यक देखभाल के लिए जब जरूरत हुई वे इसे वापस ले सकते हैं। आवेदक स्वस्थ होना चाहिए, संवाद करने में अच्छा और प्यार से भरा होना चाहिए। रोज उन्हें बुजुर्गों की देखभाल करनी होती है जिन्हें मदद की जरूरत होती है। उनके सेवा घंटों को सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के व्यक्तिगत समय खातों में जमा किया जाता है। आपको ये सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये एक अच्छी व्यवस्था है। वह सप्ताह में 2 बार काम पर जाती थी, हर बार 2 घंटे बिताती थी, बुजुर्गों की मदद करती थी, खरीदारी करती थी, उनके कमरे की सफाई करती थी, उन्हें धूप सेकने के लिए ले जाती थी और उनसे बातें करती थी। नियमानुसार सेवा के 1 वर्ष के बाद समय बैंक सेवा देने वाले व्यक्ति के काम के घंटे की गणना करता है और उसे एक समय बैंक कार्ड जारी करता है। जब उसे अपनी देखभाल करने के लिए किसी की आवश्यकता होती है तो वह समय और ब्याज को वापस लेने के लिए अपने समय बैंक कार्ड का उपयोग कर सकती है। सूचना सत्यापन के बाद समय बैंक अस्पताल या उसके घर पर उसकी देखभाल करने के लिए स्वयं सेवकों को नियुक्त करता है। एक दिन मैं स्कूल में थी और मकान मालकिन ने फोन किया और कहा कि वह खिड़की से पोछा लगा रही थी और वह स्टूल से गिर गई है। मैंने जल्दी से छुट्टी ली और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। मकान मालकिन का टखना टूट गया था और उसे थोड़ी देर बिस्तर पर रहने की जरूरत पड़ गई। जब मैं उसकी देखभाल के लिए अपने स्कूल से छुट्टी के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रही थी तो मकान मालकिन ने मुझसे कहा कि मुझे उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही समय बैंक को एक निकासी अनुरोध प्रस्तुत कर दिया है। 2 घंटे से भी कम समय में समय बैंक ने एक नर्सिंग कर्मी को मकान मालकिन की देखभाल के लिए भेज दिया। अगले 1 महीने तक देखभाल नर्सिंग कर्मी ने मकान मालकिन की रोज देखभाल की, उसके साथ बातचीत की और उसके लिए स्वादिष्ट भोजन भी पकाया। देखभालकर्ता की सावधानी पूर्वक देखभाल के तहत मकान मालकिन जल्दी ही ठीक हो गई। उसके स्वास्थ्य में सुधार हो गया। ठीक होने के बाद मकान मालकिन काम पर वापस चली गई। उसने कहा कि वह समय बैंक में अधिक समय बचाने का इरादा रखती है क्योंकि वह अभी भी स्वस्थ है। आज स्विट्जरलैंड में बुढ़ापे का समर्थन करने के लिए समय बैंकों का उपयोग एक आम बात बन गई है जो हमारे लिए नई है। यह न केवल देश के पेंशन खर्च को बचाता है बल्कि अन्य सामाजिक समस्याओं को भी हल करता है। कई स्विस नागरिक इस तरह के वृद्धावस्था पेंशन के बहुत समर्थक हैं। स्विस पेंशन संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण से ये पता चलता है कि स्विस के आधे से अधिक लोग भी इस प्रकार के वृद्धावस्था देखभाल सेवा में भाग लेना चाहते हैं। स्विस सरकार ने समय बैंक पेंशन योजना का समर्थन करने के लिए कानून भी पारित किया है। वर्तमान में एशियाई देशों में घरों में अकेले रहने वाले बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है और यह धीरे धीरे एक सामाजिक समस्या बन गई है। स्विट्जरलैंड शैली समय बैंक
पेंशन हमारे लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप लोगों से यही आशा है कि इस अवधारणा को अधिक से अधिक साझा करें, ताकि हमारे भारत सरकार भी इस तरह की योजना को शीघ्र लागू करे। तो आपको कैसी लगी यह अनुभव भरी कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखिए। हम फिर से आपसे जल्दी मिलेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरीज में एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।